सभी बच्चों को प्रतियोगिता नमस्कार। YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। YouTube चैनल के माध्यम से हम सब आज पढ़ाई कर रहे हैं। आज सभी स्कूलों में विश्व में सभी जगह हम कंप्यूटर की सहायता से, मोबाइल की सहायता से, इसी की सहायता से हम आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी पता नहीं अपन कब तक ऐसे अपन को काम करना पड़ेगा। अभी सुन रहे हैं वापस एक और कौन सी लहर आ रही है, COVID-19 की। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है, घर में बैठकर ही हमको पढ़ाई करना है। पढ़ाई हमको बराबर टाइम टेबल से करना, जैसे हम समय से भूख लगती है खाना खाते हैं, ऐसे ही हमें पढ़ाई का भी टाइम टेबल बनाना है, पढ़ाई टाइम से करना है। पढ़ाई के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, आगे जाके हम बाकी पछतावा रह जाता है। समय है हमारा, हमको समय से सारा काम करना चाहिए, पढ़ाई करने के बड़े हो जाएंगे। फिर आप अपनी मम्मी को बोलेंगे आपने हमें पढ़ाया नहीं, आज हम पढ़ लेते तो ऐसे हो जाते। इससे सभी से बार बार कहते बच्चों पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, पढ़ाई ही हमारे जीवन का आधार है। बिना पढ़े लिखे हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। पढ़ाई लिखाई ही हाँ हमें बहुत जल्दी, जैसे शरीर को खाने की जरूरत रहती है, इसलिए जीवन यापन करने के लिए हमें शिक्षित होना जरूरी है, पढ़ाई हमें करना है। अभी हमने 16 व्यंजन का आपको आगे अच्छे से हम बुलवा रहे थे। अभी हमने 2 अक्षर वाले पढ़े, 3 अक्षर वाले भी हमने मात्रा लगाना सीखा है। अब हमने बहुत सारे शब्द आज बोर्ड पर 3 अक्षर वाले लिख दिए। फिर हमने इसके पहले एक लकड़हारे ने कहानी सुनाई थी ना, कभी भी पढ़ाई जैसे लकड़हारे ने अपनी उड़ाने के प्रति बेईमानी नहीं करी, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई के प्रति बेईमानी नहीं करना है। मुझसे पूरा जो नहीं आता है बार बार पूछो, आपको टीचर बार बार बताएगी नहीं आता पढ़ना लिखना। टीचर कभी बच्चों को गुस्सा नहीं होती, 10 बार पूछोगे 10 बार बताएगी। मम्मी पापा से पूछो नहीं आता तो पढ़ना सीखना है। चलिए अब हम 3 अक्षर वाले अपने बोर्ड पे शब्द लिखे हैं, हमारे साथ साथ आप भी धीरे धीरे बोलना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए ओके, अब हमें आइए पढ़े हमने लिखा है, आइए पढ़े आजा, अपन को पढ़ाई करना है, ठीक है ना। चलिए तो मोबाइल चालू कर लिया, वीडियो चालू कर लिया आपने, देखना है। चलिए अब देखो पा ल क पलक, आपकी पलक होती है पलक। ना मा के नमक, मा ग र मगर, ड ग र डगर, पा ह र पहर, ना हा र नहर। इनको फिर से पढ़ेंगे, पलक मिला के नमक, मगर डगर पहर नहर, ये अपने 3 अक्षर वाले शब्द बेटा है। अब झा गड़े झगड़े, रा गड़े रगड़े, का सक कसक, मा टर मटर, मा मदन, गरम गरम, चमक चमक, झलक झलक, गगन गगन, मगन मगन, नकल नकल, अकल अकल, चमक झलक, बोलो बेटा, गगन मगन नकल अकल अकल, जे अकल दिमाग में रहती अकल ना। अब झलक झलक गल है ना, झलक दिखा जाए ना, बोला झलक, अमर कमर कपड़, लपट लपट, मतलब जो हाथ की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची तक जाती है उसे
गरम। लपट कैसी होती है? गरम होती है ना। झलक अमर कमर, कमर पीछे है ना सर, कपट लपट करम। अब इधर देखिए कदम क द म, कदम जब मिस मम्मी बोलेगी क द म कपड़ पर व्यंजन तो आ गए क ख ग घ, तो अपन समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, माँ बोल रहे हैं कदम। वचन वचन, आ मा न अमल, लटक लटक, ठहरे ठहर, नरम नरम, कदम वचन अमल लटक ठहर नरम। इसे पढ़ेंगे एक ही शुरू से पूरा मिला के, कलर नमर मगर डगर पहर नहर, रगड़ रगड़ कसर मटर मदन करम, चमक झलक गगन मकान, मकान होता पड़ा है बिल्कुल, नकल नकल नहीं करना किसी की, अकल झलक अमर कमर कपट लपट करम, कदम वचन अमन नटक ठहर नरम। जे अपने तीन अक्षर वाले शब्दों का है, और ऊपर देखिए ऊपर कर दिया हमने इसमें तीन वर्णों वाले शब्द लिखिए पढ़िए दो बार, दो बार अपन बहुत सुंदर अक्षर में वीडियो से देख के लिखना है और पढ़ना है। मम्मी के पास बैठना है, उंगली रख रख के पढ़ना है, जैसे क्लास में जो पढ़ाती थी वहां उंगली होना चाहिए, इसी तरह पढ़ना है ना, नहीं तो उंगली में मारती थी ना मिस, कहां पढ़ा रहा है वही उंगली रखना है, इस तरह से ठीक है अच्छे से पढ़ना बेटा। अपन को ऐसे काम नहीं करना है ताकि हमको डांट पड़े मार पड़े, अपन को हमेशा आगे बढ़ना है।